अमेजोन में होम डेकोर स्क्रॉल कर रही थी ना, मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिली हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ पिक कर लूं, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। एंड जितना मेरे घर पे स्पेस है थोड़ा बहुत, तो मैंने ट्राई किया कि मैं उतनी ही चीज़ें पिक कर पाऊं जो मैं यूज़ भी कर पाऊं। People out there, welcome or welcome back to my channel Sakshi's Dreamland. I hope you all are doing great. And if you're watching me for the first time, hi, I'm Sakshi. I make videos on fashion, makeup, skincare, food, travel and much more. So जैसा कि title देख के आप समझ ही गए हो कि ये जो video होने वाली है, ये होने वाली है home decor के ऊपर. Yes, because Diwali is around the corner and बहुत सारे festivals आने वाले हैं. So मैंने सोचा कि ये video तो बहुत ही ज़्यादा important है, because हम सब चाहते हैं कि दिवाली में ना हम अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से decorate करें. And जैसा कि आप मेरे background में भी देख सकते हो, मैंने ना कुछ चीज़ें online order करी हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इसको share करूँ. So without any further ado, let's jump into the video. सबसे first product है ना, वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, आपने ना mostly मेरे backgrounds के अंदर देखा भी होगा. So वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल से कुशन कवर्स. सो एज यू कैन सी कि कितने ज़्यादा वाइब्रेंट एंड कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं. एंड ये मुझे मिले थे आई थिंक 350 रुपीज़ के. जो भी प्राइस होगा ना, मैं साथ में स्क्रीनशॉट में मेंशन कर दूंगी. सो अब मैं आपको ना इसके डिज़ाइंस दिखा देती हूँ. ये सारे डिज़ाइंस बिल्कुल अलग अलग हैं. सो फर्स्ट जो डिज़ाइन है उसमें ऐसे ये लेडी बनी है, जो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था. देखते ही मुझे कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगा. एंड सेकेंड में ऐसे ये अंकल जी बने हैं, जो अगेन बहुत ज़्यादा ना क्यूट लगते हैं जब दोनों को साथ में रखो. सो जैसा कि आप साइड में देख सकते हो. एंड उसके बाद ऐसा एक प्लेन इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है जिसमें कुछ भी वर्क नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कुछ कवर्स में प्रिंट है. सो ऐसे इनके ना दो प्रिंट्स हैं जो बिल्कुल प्लेन है. एंड देन आता ये अगेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर. एंड इसके अंदर भी ना बहुत ही प्यारा प्रिंट किया गया है, जो बहुत प्यारा लगता है. अगर आप वो अंकल आंटी वाला ना लगाना चाहो तो बीच में इसको लगा के एंड साइड में इन दोनों को भी लगा सकते हो. बहुत ही सुंदर लगता है. एंड आपने मेरे मोस्टली बैकग्राउंड्स के अंदर देखा भी होगा, तो ये कुशन कवर तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं. एंड लिंक्स ना सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर वहाँ से चेक करते रहना. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी अगेन है एक कुशन कवर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. एंड वैसे आपको दिख भी रहा है, तो वो ये हैं. एंड इसका भी जो प्रिंट है मुझे बहुत अच्छा लगा था. सबसे अच्छी बात ना मुझे इसका फैब्रिक लगा था, जो थोड़ा सा ना सैटिन सी लुक देता है, मतलब शाइनी शाइनी सी लुक देगा. एंड बात करते हैं इसकी फैब्रिक की और इसके ओवरऑल डिज़ाइनिंग की, तो ये अकॉर्डिंग टू प्राइस बिल्कुल ठीक है. 200 के अंदर ये मुझे मिला है, तो 200 के अंदर मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर हमें जिप भी नहीं मिल रही तो इट्स ओके, बिकॉज ये ना जब आप ऐसे लगाते हो ना तो ये चार चांद लगा देते हैं आपके बैकग्राउंड के अंदर. और ये है 5 का सेट, तो इसके भी मैं आपको कलर्स दिखा देती हूँ. सो फर्स्ट कलर तो यही है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. सेकंड है ये वाला. एंड ये बिल्कुल इन्होंने डिफरेंट एक कंट्रास्ट दिया है, अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये भी. सो इसके अलावा जो दो हैं वो हैं ये. सो ये ग्रीन कलर का है, पिस्ता ग्रीन कलर, अगेन बहुत सुंदर लगता है. एंड साथ में ये दो दो का पेयर दिया है, पिंक एंड ग्रीन का. सो अगर बात करते हैं इसकी स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग भी बिल्कुल ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस स्टिचिंग इज़ ऑल्सो गुड. मतलब बिल्कुल ऐसी बेकार स्टिचिंग नहीं है या कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है. बस इसमें जिप नहीं है. मुझे लगता है कि जिप नहीं भी है तो भी इट्स ओके. मुझे तो डेकोरेशन के लिए ही चाहिए, तो मेरा पर्पस इससे बिल्कुल सॉल्व. सो इफ़ यू आर समवन हु लव्स ड्रीम कैचर, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आजकल, तो आप ना इस तरह के ड्रीम कैचर भी ले सकते हो. ये अगेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं. आप इसको ना कहीं पर भी सिंपल प्लेन वॉल पे भी अगर इसको हैंग कर दोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. सो बेसिकली इसको तो मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया है, बट यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम अमेजोन. एंड अमेजोन में ना आई गेस ये 190 समथिंग का है. स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. एंड आप जैसे कि बैकग्राउंड के पीछे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अगर आप खरीदना चाहो तो आप ले सकते हो. वैसे तो मैंने लोकल मार्केट से लिया है, अगर आपके नियर बाय कहीं मिल जाता है तो वो बहुत ही बेस्ट होगा. बट मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा देती हूँ. अगर आपको ऐसे ड्रीम कैचर्स पसंद हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और मार्केट नहीं जा सकते हो, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम अमेजोन. में होम डेकोर स्क्रॉल कर रही थी ना, मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिली हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ पिक कर लूँ, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए. एंड जितना मेरे घर पे स्पेस है थोड़ा बहुत, तो मैंने ट्राई किया कि मैं उतनी ही चीज़ें पिक कर पाऊँ जो मैं यूज़ भी कर पाऊँ.
हूँ. सो मैं ना कुछ वॉल के लिए ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह के पीसेस पिक करे हैं. एज दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा कि कुछ ना एथनिक सा ही मैं अपनी वॉल के पास रखना चाहती हूँ. सो मैं ना कुछ मेकओवर प्लान कर रही हूँ अपने रूम के लिए या एक वॉल के लिए, जिसमें ना सब कुछ ऐसा एथनिक वाइब्स देने वाली हूँ. तो उसके लिए मैंने ना बहुत ही सुंदर ये आर्ट पीस मंगाया. मैं दिखा देती हूँ ये क्या है. सो ये ना ऐसे 3 का सेट है विच लुक्स लाइक दिस. और ना ये ऐसा लगता है, मतलब प्रॉपरली वैसे तो ये किचन अप्रोप्रिएट है, आप किचन में इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको ना ऐसे नॉर्मल कहीं पे भी लगा दूंगी जहाँ पे मुझे सूटेबल लगेगा. सो इनके ना कुछ इस तरह से प्रिंट है, अगेन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है. मुझे ना ऐसे कलरफुल वाइब्रेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो एक कुछ इस तरह से लगता है, सेकेंड जो है वो ऐसा है, और थर्ड जो है वो ऐसा है. मतलब ये प्रॉपर जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं ना जो आप यूज़ करते हो, ये उन्हीं की शेप में है. एंड अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है. सो अगर आप कुछ मेकओवर चाहते हो ना, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहो. बहुत जल्दी एक रूम मेकओवर या कुछ कॉर्नर मेकओवर आने वाला है, जिनमें ना मैं अपनी ये चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, विच इज़ अंडर ₹500. ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे मिला है ओनली फॉर ₹200. तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा. सो इफ़ यू आर अ समवन हु लव्स होम डेकोर, तो आप ना ऐसे छोटे छोटे पीसेज में अपनी जो मनी है उसको यूज़ कर सकते हो. बिकॉज ये जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, प्लस आपके ना हाउस को बहुत ही सुंदर लुक भी देते हैं. टू अनदर प्रोडक्ट, वैसे ना ये तो हैं कोटेशंस, एंड ये मैंने ना काफ़ी पहले ले ली थी, बट मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ. सो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी कोटेशंस लेके ना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगी, बट ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं. बट हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ती हूँ तो हो जाती हूँ, बट रेगुलर नहीं पढ़ती हूँ. सो बेसिकली मैंने उसी के लिए ये ऑर्डर की थी. सो ये है, ऐसे फ्रेम्स का सेट है, 4 सेट का फ्रेम है ये. एंड इसका जो साइज़ भी है ना वो भी काफ़ी अच्छा है. बस इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ना मिरर नहीं दिया हुआ है. अगर आपको मिरर वाले वॉल आर्ट पसंद है ना, तो आप मिरर वाले ले सकते हो, बट इसके अंदर मिरर नहीं है. एंड ये मुझे मिला था ओनली फॉर ₹250. एंड मुझे लगता है 250 के अंदर ना ये जो फ्रेम्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि मैं ना इसका कुछ DIY करने वाली हूँ ये फ्रेम का. सो वो DIY करने के लिए भी ना आपको मेरे चैनल में ज़रूर बने रहना पड़ेगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का कुछ ट्राई करूँगी कि इसका DIY करके कहीं पे अपने घर पे इसको सजाऊं. एंड अगर इस बजट में आप कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लेना है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन ईजिली बाय. सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं वॉल के लिए कुछ ढूंढ रही थी ना, तो उसी तरह मैंने ऐसे 2-3 चीज़ें वॉल्स के लिए ले ली हैं. अब आई डोंट नो मैं इसे कैसे कहाँ यूज़ करने वाली हूँ. सो ये वाला ना एक्चुअली मेरे भाई को पसंद आया था, तो इसकी जो थीम है वो कुछ इस तरह की है. ये है 7 का सेट, लेट मी जस्ट काउंट, 9 का सेट. एंड इस पे भी ना आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर ऐसे प्रिंट किए गए हैं. एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो, कैसे इसको आप असेंबल कर सकते हो. बैक पे ना इनके ग्लू दी होती है, आप इसको ईजिली फिक्स कर सकते हो. बट मैंने ना इसमें डबल टेप लगा दी थी, बिकॉज मेरी जो वॉल है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो निकल रहा था, तो डबल टेप लगाया था मैंने इसके ऊपर. एंड इसके जो साइजेस हैं वो बहुत डिफरेंट है, मतलब कुछ एक बड़ा है बाकी स्मॉल है. सो इनके भी जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. सो कुछ ना आप ऐसी भी चीज़ें अपने घर के लिए देख सकते हो इस दिवाली में, बहुत ही सुंदर लगने वाला है. एंड आप अकॉर्डिंग टू थीम भी ले सकते हो. ये मुझे मिला था आई गेस 300 या 350 के अराउंड, जो भी प्राइस होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, बिकॉज अभी मुझे याद नहीं है. ये वाला और ये फ्रेम ना मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था. सो जैसा भी होगा लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अनदर. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो कुछ इस तरह से लगता है. एंड ये ना इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, ये एक्चुअली मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर कर लिया था अमेजोन से. एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब ऐसा लगता है कि असली चांदी हो. वैसे चांदी नहीं है, इसमें कलर किया गया, बट अगर बात करते हैं इसके बाहर के कलर की ना, तो इसका कलर अभी तक नहीं उतरा है. इसको ना 1 ईयर हो गया यूज़ करते करते. एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हैवी क्वालिटी है. एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है अगर आप इसको अपनी शेल्फ पे डेकोरेट कर दो. सो इन केस आपको ऐसा लेना है, सो यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम अमेजोन. एंड इसके अंदर ना 2 कलर हैं, एक गोल्डन कलर भी है, एक सिल्वर भी है, बट मुझे सिल्वर चाहिए था तो इसीलिए हमने सिल्वर ऑर्डर किया. सो अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट की, जो ना मैं बहुत टाइम से मैंने कार्ट में रखा हुआ था और मुझे चाहिए था. मेरा लिटरली दिल आ गया था इसके ऊपर, मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा अफोर्डेबल था, तो मैंने सोचा इसको ज़रूर रख लेना चाहिए. बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, या आप किसी कॉर्नर में भी इसको डेकोरेट कर सकते हो. सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट मी जस्ट शो यू. सो ये है टेबल, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी कि कैसा टेबल मैंने ऑर्डर किया है.
सो ये ना टेबल मैंने ऑर्डर किया है वाइट कलर का, इसमें दो कलर्स हैं, ब्लैक कलर भी हैं, आपको कोई भी अच्छा लगता है आप ऑर्डर कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि वाइट को ना आपको थोड़ा सा क्लीन रखना पड़ेगा, मतलब साफ़ हाथों से यूज़ करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल ना ये ब्लैक पड़ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा स्टर्डी है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना स्टर्डी आएगा। ओनली फॉर 399 रुपीज़, मतलब मेरी 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लगे हैं, तो अराउंड 500 के अंदर ना आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। एंड मार्केट में ना ये प्रोडक्ट्स आपको पता है कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। सो इसको असेंबल करना इज़ वेरी वेरी ईजी। यहाँ पे ना ये ऐसे 3 इसके लेग्स दिए हैं, आप बस आपको क्या करना है, इसको ना ऐसे इसके अंदर ट्विस्ट करते रहना है एंड ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो पहले मुझे लगा था कि इसके लेग्स ना स्टर्डी नहीं होंगे या पता नहीं कैसा होगा, बट जब मैंने इसको ट्विस्ट करके हिलाया ना, तो ये बिल्कुल स्टर्डी हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। एंड इसके ऊपर ना मैंने नोटिस किया था कि बहुत लोगों ने ना ऐसे प्लांटर्स भी रखे हुए थे हैवी हैवी, तो इट मीन्स डेफिनेटली ये वेट भी थोड़ा सा बेयर कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। फिनिशिंग भी इसकी बहुत सुंदर है एंड यहाँ से भी जो उसकी लेग्स की भी फिनिशिंग है, प्रॉपर जो पूरे टेबल की फिनिशिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। सो मैं इसको बैकग्राउंड में सजाने वाली हूँ और इसके ऊपर ना बहुत कुछ करने वाली हूँ डेकोरेशन। तो मेरे को तो ना सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है एंड इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं जल्दी से इसको ना कहीं अपने कॉर्नर में डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। सो यही था मेरा अमेज़ॉन हॉल। एंड ना नेक्स्ट हॉल भी बहुत जल्दी आने वाला है, जो है अगेन होम डेकोर विच इज़ फ्रॉम मीशो। सो बने रहो उसके लिए भी। एंड मैंने सोचा कि दिवाली एंड फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो ज़रूर हमें ऐसी वीडियोज़ चाहिए और ऐसे आइडियाज़ चाहिए कि हमारा घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी आइटम पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।